सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट को भौतिक रूप से साथ रखने की अनिवार्यता को खत्म करते हुए सरकार ने गुरुवार को राज्यों को सलाह जारी की है कि वे इस प्रकार के सभी दस्तावेजों को डिजिटलाकर या एमपी परिवहन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार करें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि आधिकारिक प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज ड्राइविंग परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के बराबर माना जाएगा। आधिकारिक बयान में कहा गया है, मंत्रालय को कई शिकायतें आरटीआई आवेदन मिले हैं कि जहां नागरिकों ने शिकायत की है कि डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में उपलब्ध दस्तावेजों को ट्रैफिक पुलिस या मोटर वाहन विभाग द्वारा वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सलाह में स्पष्ट किया गया है कि दोनों प्लेटफॉर्म में नागरिकों को दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा है। इसमें कहा गया है कि नए वाहनों के बीमा और पुराने वाहनों के बीमा रिन्यूअल की जानकारी भी बीमा सूचना बोर्ड द्वारा दैनिक आधार पर अपलोड की जा रही है और यह मंत्रालय के एम परिवहन और ई चालान ऐप में भी दिखता है। बयान में कहा गया है, एम परिवहन या ई चालान ऐप पर वाहनों के पंजीकरण विवरण के साथ अगर बीमा का विवरण भी उपलब्ध मिलता है तो बीमा सर्टिफिकेट के भौतिक प्रति की आवश्यकता नहीं है। न्यूज टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट।